आज के नतीजे कौन से हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि काफी सारे नतीजे, उनमें से कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स जिन पर कि हमारे दर्शक सवाल भी काफी पूछते हैं। यूनियन बैंक सर, इसमें क्या करें, आज नतीजे हैं, पीएसयू बैंक्स के नतीजे तो ठीक ठाक ही आ रहे हैं, इस बैंक के भी नतीजों में करीब 5 से 10% का जंप प्रॉफिट में और एनआई में देखने के लिए स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है, कैसे देखें सर यूनियन बैंक? देखिए, इसमें मेरे को वीकनेस दिख रही है। वीकली चार्ट पे थोड़ा सा क्लाइमेटिक था 160 के आसपास, तो नीचे में 91-92 के लेवल आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर अच्छे रिजल्ट के बाद कोई गैप अप मिलता है तो एक बार एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। नीचे 90-91 रुपए की रेंज रहेगी जहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट अगेन रिवर्सल मोमेंटम आने में टाइम लगेगा, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अवॉइड है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए 91 रुपीज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। बिल्कुल। दूसरा काउंटर सर बजाज हाउसिंग, इस पे हमारे काफ़ी दर्शक फंस गए हैं आईपीओ के बाद, अब क्या करें सर, रिजल्ट्स में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, कोई एग्जिट मिल पाएगा, कुछ चार्ट पर दिख रहा है? देखिए, फ्राइडे को जिस हिसाब से हैमर बना था और एक हायर लो की फॉर्मेशन है, और लास्ट वीक भी मैंने कहा था 135 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, वहीं पे फील्ड लो बना था। अगर ये होल्ड हो जाती है तो वापस से 160 के लेवल मिल सकते हैं, तो लग रहा है कि यहाँ पे चीजें ठीक ठाक होनी चाहिए। लोअर लेवल पे बाइंग दिख रही है, बट ब्रॉडली 160 आने के बाद एक रेंज बनेगी, 160 ऊपर में, 130 नीचे में, और ये रेंज बहुत समय तक कंटिन्यू रहेगी। बहुत समय से मेरा मतलब है कम से कम 6-8 महीना और ऊपर में 2-3 साल भी हो सकती है। तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया आईपीओ के हिसाब से, फेयरली वैल्यूड है, वापस मोमेंटम बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को यहाँ पे अगर लेना है तो 160 तक के लिए लॉन्ग ले सकते हैं, बट वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, एक्सटेंशन मूव मिलने की एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। जी, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, ये बीईपीएल के नाम से आता है काउंटर, काफी अच्छा चला है पिछले 6 महीने में, क्या करें, रिजल्ट्स तो इसके अच्छे एक्सपेक्टेड हैं सर? देखिए, रिजल्ट भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, और अगर चार्ट पे स्ट्रक्चर देखें तो 336 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट का, मंथली चार्ट पे देखें तो 77 महीने इसने बेस ब्रेकआउट दिया है 120 रुपए पे। फिलहाल एक पुलबैक कंप्लीट ऐसा लग रहा है कि हो गया है, हालांकि 130-132 आ जाता तो कॉन्फिडेंस हो जाता कि पुलबैक खत्म है, बट प्राइमा फेसी बिफोर लास्ट वीक की कैंडल ऐसा लग रहा है कि पुलबैक खत्म हो गया है। 163 निकलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम आना स्टार्ट होगा, और जो पूरा पैटर्न है 336 हफ्ते का, इसका टारगेट निकल के आता है 340 रुपए। ये बड़ा पैटर्न है और नीचे में लो गया था 12 रुपए का और 120 के आसपास ब्रेकआउट है, तो 340 करीब के टारगेट निकल के आ रहा है। ये टारगेट आपको अचीव करने में कम से कम 9 महीने लगेगा, आइडियली 1 साल लग सकता है इस टारगेट को अचीव करने में, तो उस हिसाब से प्लान करके लीजिए कि यहाँ पे 50% लेना चाहिए। नीचे में अगर बाय द वे डिप मिल जाती है 120-130 की रेंज में, तो बाकी 50% ऐड करें और 9 महीने से 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, पैसा डबल होने की हाई चांसेस है। बहुत सही, यहाँ पर तो एक बड़ा टारगेट सर ने दे दिया कि पैसा डबल हो सकता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक और काउंटर सर सीजी पावर, इस पे भी हमारे काफी दर्शक सवाल पूछते हैं, रिजल्ट्स हैं आज, क्या करें? देखिए, सीजी पावर में आज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि ओपन में ब्रेकआउट दिख रहा था तो हमने ओपन में बाय कॉल इनिशिएट करके लिया है, तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। हमको यहाँ पे सीजी पावर में एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न है, एक कवेनेंटल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट करने आया था, फ्लैगिश पैटर्न में रीटेस्ट किया और आज रिवर्सल दिखा रहा है, तो स्टॉक हमको 1000 रुपए जाता हुआ दिख रहा है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म मतलब कम से कम 4 से 6 हफ्ते, अगर ये 4-6 हफ्ते होल्ड करते हैं हाई लाइकली 1000 रुपए आ सकता है, तो ये करेंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इसमें प्ले किया जा सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। सर सिटी यूनियन बैंक, एक तरफ बैंक अच्छे मिक्स रिजल्ट दे रहे हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, क्या करें इसमें? देखिए, इस स्टॉक में भी मेरे को बेरिश लग रहा है, बेरिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है, जैसे ये 150 के नीचे जाएगा बेरिश फ्लैग का ब्रेक डाउन होगा, और मेजर सपोर्ट इसका 129 रुपए से 124 रुपए की रेंज में है, ये रेंज आराम से टेस्ट होती हुई दिख रही है, तो एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। HFCL सर, इस पर भी काफी दर्शक सवाल पूछते हैं, कुछ फंस भी चुके हैं आई थिंक, क्योंकि अभी पीछे रैली करा था 160 के करीब तक, अभी 129 आ रहा है, रिजल्ट से पहले करीब 10 रुपये टूट चुका है, क्या आज चल पाएगा? रिजल्ट ठीक एक्सपेक्टेड है, बुरे नहीं है एक्सपेक्टेड इसके? देखिए, इसमें 131 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था 86 और लेवल पे, जिसका टारगेट 160-165 के आसपास था,
और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो बनाया था 180 के अराउंड, सॉरी 171-72 के अराउंड, और वहां से फुल बैक दे रहा है। तो ये फुल बैक गहरा रहा है अभी और 115-113 की जोन तक आ सकता है। तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, 113 रुपए के आसपास वापस से एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। बट एक्यूमुलेट करने के पहले एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर यही रिलेटिव वीकनेस बनी रही तो थोड़ा सा डीपर 95-99 के लेवल तक भी रिट्रेस कर सकता है। तो 113 पे दोबारा सवाल पूछिएगा। बिल्कुल, तो नतीजे आने दीजिए। अगर नीचे आता है तो 113-115 के बीच में सवाल पूछिएगा, और अगर ऊपर आता है तो देखते हैं कि कैसे नतीजे आते हैं। नेल्को, NELCO, इसमें सर आपका व्यू, क्योंकि इसके भी नतीजे हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। देखिए स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसमें बेस ब्रेकआउट है 4 148 वीक्स का, उसी को रिटेस्ट किया है। थोड़ा सा हार्ड रिटेस्ट है, इतना हार्ड होना नहीं चाहिए था, बट नंदलेस है फिलहाल। तो हो सकता है 4-6 हफ्ते और बेस बनाने में निकाल दे, बट इवेंचुअली स्टॉक में 1450-1450 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है, जिस हिसाब का बेस पैटर्न है। हार्ड रीटेस्ट है लेकिन वॉल्यूम कहीं भी नहीं था, ये एक अच्छी चीज थी। तो यहाँ पे बेस बना के जब चलेगा स्टॉक 1400 रुपए तक आ सकता है। फिलहाल ये बेस बनाने में शायद 4 से 6 हफ्ता या उससे ज्यादा लगा दे, तो थोड़ा सा टाइम लेके, अगर आपके पास पेशेंस है तो टाइम लेके ये अच्छी जोन में एक्यूमुलेट करने के लिए। अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो फिर स्टॉक को 1080 निकलने दीजिए, तब बढ़िया मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। तो इन्वेस्टर के लिए करेंट मार्केट प्राइस पे बाई है, मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए फिलहाल अवॉइड है। 1080 के ऊपर मोमेंटम बनेगा वहां पे एंटर करना चाहिए।